नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार गुप्ता, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी पर वेलकम करता हूं। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर जा करके विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए मैं एक सीरीज लेकर के चल रहा हूं जून मंथ में, जिसमें हम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर जाकर के फॉलो करने के बाद मैसेज कर सकते हैं। प्लस पर जुड़ने के लिए आप हमारे साथ वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10% की छूट मिलेगी। मैं प्लस पर आप सभी के लिए इंडियन हिस्ट्री यूपीपीएससी कवर करता हूँ। यूपीपीएससी के तीनों पार्ट को, हिस्ट्री के, यूपीपीएससी लेवल के तीनों पार्ट को मैं कवर करता हूँ। तो इस सीरीज जो चल रही है, इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम बात कर रहे थे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बात कर रहे थे। अनअकैडमी पर एक विशेष ऑफर चल रहा है कि अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूपीपीएससी कैटेगरी में, तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और आप इसके लिए वीजे लाइव कोड का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 10% की छूट मिल जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं, बाकी बातें हम करते रहेंगे, आपकी बैच के लिए सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। हमने जो पिछली वीडियोज ली हैं, पिछली क्लासेज जो आपके साथ लाइव हुई हैं, हमने उसमें कार्नवालिस तक बात कर ली थी। कार्नवालिस के साथ साथ हमने लॉर्ड विलेजली तक की क्या है बात कर ली थी, लॉर्ड विलेजली के तक की हमने बात कर ली थी। लॉर्ड विलेजली के बाद जो आएगा अगला टाइम पीरियड, वो आएगा लॉर्ड कार्नवालिस का। अब बच्चा काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा कि सर कार्नवालिस तो हम कर चुके हैं, शायद आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा क्या कार्नवालिस हम कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं। कार्नवालिस का जो दूसरा कार्यकाल है वो 1805 में इनका क्या है, कार्यकाल माना जाता है। कार्नवालिस का जो दूसरा कार्यकाल है वो 1805 में इनका माना जाता है। यह इनका दूसरा कार्यकाल था, यह इसका कैसा कार्यकाल था, दूसरा कार्यकाल था। परंतु 3 माह बाद गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई। गाजीपुर में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। और यहीं पर क्या है, यहीं पर इसकी कब्र बनी है, यहीं इसकी कब्र बनी हुई। भैया ये वाला जो क्वेश्चन है, गाजीपुर में मृत्यु हुई कबर बनी है, ये यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन है, यूपीएससी का भी क्या है, ये पेट क्वेश्चन है। इसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगातार क्वेश्चन क्या है इसे भाई साहब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। आप अपने टॉपिक को लेकर के कमेंट कर सकते हैं, जिस पे आपको नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप इन सारी चीज़ों को क्या है, आप यहाँ पे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, आप इस चीज़ को करते रहिए। आप अगला जो आपका गवर्नर जनरल आएगा वो आएंगे सर जॉर्ज बार्लो। कौन आएंगे, सर जॉर्ज बार्लो। आप इसके पहले की 2-3 वीडियो पड़ी हुई हैं, आप एक एक करके सारी सीरीज देखिए और ज़्यादा मज़ा आएगा। आप इसको कवर करने के बाद क्या है, आप उन वीडियोज पे भी क्या है बिल्कुल जाइए, आप उन वीडियो पे क्या है बिल्कुल जाइए। तो सर जॉर्ज बार्लो में इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा है नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट है नहीं इसके समय में, कह सकते हैं एक दो पॉइंट ही होंगे, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया, इसने हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया। ठीक है, पालन किया। मराठों के साथ इसने शांतिपूर्ण नीति अपनाई, मराठों के साथ इसने शांतिपूर्ण नीति अपनाई। ठीक है, मराठों के साथ इसने क्या की, शांतिपूर्ण नीति अपनाई। चलिए
इनका टाइम पीरियड सर जॉर्ज बार्लो का एक बार टाइम पीरियड हम नोट कर लेते हैं, इनका टाइम पीरियड भी 1805 के आसपास हो गया, इनका 1805 के आसपास इनका टाइम पीरियड। अगले बंगाल के गवर्नर पे बात करते हैं, अगले बंगाल के गवर्नर पे बात करते हैं जो कि है लॉर्ड मिंटो। अगले बंगाल के गवर्नर कौन है? लॉर्ड है, लॉर्ड मिंटो है, जिनका टाइम पीरियड 1807 से स्टार्ट होता है और 1813 तक क्या है इनका टाइम पीरियड चलता रहता है। कौन है? लॉर्ड मिंटो, या लॉर्ड मिंटो प्रथम के नाम से भी क्या है जाने जाते हैं, या लॉर्ड मिंटो प्रथम के नाम से भी क्या है ये जाने जाते हैं। पहला पॉइंट अगर इनमें बात करते हैं तो 1809 में मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह के दरबार में भेजा, रणजीत सिंह के दरबार में भेजा, जहां अमृतसर की क्या हुई, जहां अमृतसर की संधि हुई। तो मतलब कह सकते हैं कि अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में हुई है? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुई है। अमृतसर की संधि क्या हुई है? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल। उसके साथ साथ इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ, इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 क्या हुआ है? पारित हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ अगले पॉइंट पे लिख सकते हैं कि इसी ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोहों को क्या किया? विद्रोहों को समाप्त किया। विद्रोहों को क्या किया? समाप्त किया। इसी ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोहों को क्या किया? इसने समाप्त किया। तो लॉर्ड मिंटो के बारे में इससे ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है नहीं, इस यही पॉइंट क्या है, यही सारे सब पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो प्रथम की अगर हम बात करते हैं, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ये सारे हमें प्रमुख पॉइंट मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ क्या इस वीडियो को शेयर करते रहिए। इसका तीन पार्ट ऑलरेडी हम करा चुके हैं और उसके अगले चौथे पार्ट पे हम बात कर रहे हैं। ये वाइस भारत का गवर्नर, सॉरी बंगाल का गवर्नर, बंगाल का फिर गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल और वाइस राय, ये टॉपिक है। पूरा टॉपिक हम इस पर क्या करेंगे? कवर करेंगे, पूरे टॉपिक हम इस पर कवर करेंगे। अगला जो आपका हो जाएगा, अगला जो आपका होगा, शायद आप लोगों ने नाम भी सुना हो इनके बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग, और इनको हम जोड़ेंगे थोड़ा सा, एक मूवी आई थी वीर, एक वीर मूवी आई थी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक अंग्रेज अधिकारी, तो जो अंग्रेज अधिकारी उसमें दिखाया गया है सबसे बड़ा अधिकारी, वो लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में क्या है दिखाया गया, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में क्या है दिखाया गया। तो लॉर्ड हेस्टिंग में ढेर सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इन पे हम क्या है, इन पे पॉइंट एक एक करके क्या करते हैं, कवर करते हैं, एक करके क्या कौन कौन करते हैं। इसके समय में हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया गया, परित्याग कर दिया गया, इसके समय में हस्तक्षेप की नीति का क्या कर दिया गया, परित्याग कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता इसी के समय में स्थापित हुई, इसी के समय में स्थापित हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, कौन सा हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 में हुआ, 1814-16 में हुआ। इस युद्ध की जो समाप्ति हुई है वो सुगौली संधि से हुई, इस युद्ध की समाप्ति
इस युद्ध की समाप्ति सुगौली संधि के सुगौली संधि से हुई। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सुगौली की संधि 1816 में हुई, किसके किसके मध्य हुई, तो आंग्ल नेपाल युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या है, सुगौली की संधियां हुई है, सुगौली की संधि। इस संधि के अनुसार क्या हुआ, तो इस संधि के अनुसार गढ़वाल कुमाऊं, शिमला, रानीखेत एवं नैनीताल क्या हुए, अभी नैनीताल अंग्रेजों के अधिकार में आ गया, नैनीताल अंग्रेजों के अधिकार में क्या हुआ, आ गया। तथा गोरखों ने काठमांडू में क्या किया, गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट का रखना क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो आगे के पॉइंट पे हम बात करते हैं, क्या करते हैं, गोरखों ने क्या कर लिया है, गोरखों ने हम बात कर रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात कर रहे थे। लॉर्ड हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है 1813 से लेकर के 23 तक का क्या है, माना है। ठीक है, और उसमें हम बताया कि इन्होंने क्या है, सुगौली की संधि हुई है, और सुगौलों की संधि के उपरांत क्या है, गोरखों ने काठमांडू में क्या कर लिया, ब्रिटिश रेजिमेंट रखना क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, एक जून के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया, पिंडारी समझते हैं, वीर हमने मूवी बताई है, तो उसमें पिंडारी हुआ करते थे, क्या क्या इसने पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी क्या है, पिंडारी बेटा एक मराठी भाषा का शब्द है, ठीक है, एक लुटेरों का दल हुआ करता था जिसमें हिंदू और मुस्लिम क्या होते थे, दोनों शामिल हुआ करते थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का क्या किया, दमन किया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, पिंडारी मराठी भाषा का शब्द था, यह लुटेरों का एक दल था, जिसमें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे, और इन्हें मराठों का क्या था, इनको समर्थन प्राप्त। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। ठीक है, मराठा सरदार जो हुआ करते थे उस समय, मल्हार राव होलकर ने इन्हें सुनहला झंडा प्रदान किया था, ठीक है, मैलकम जो इनके सहयोगी हुआ करते थे, ठीक है,
एक कमांडर हुआ करते थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो मैलकम ने इसको क्या कहा है, मैलकम ने इन्हें मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ता की क्या है संज्ञा दी है। तो अगला पॉइंट लिखते हैं, मैलकम ने इन्हें मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ता की संज्ञा दी, शिकारी कुत्ता की क्या दी है, संज्ञा दी थी, क्या दी है, संज्ञा दी थी। आगे हम बात करते हैं कि पिंडारियों के दमन के लिए इन्होंने क्या किया, पिंडारियों के दमन के लिए क्या किया, तो इन्होंने पिंडारियों के दमन के लिए उत्तरी सेना के कमान, पिंडारियों के दमन के लिए उत्तरी सेना की कमान हेस्टिंग्स ने स्वयं ली, क्या ली, हेस्टिंग्स ने स्वयं ली, जबकि दक्षिण सेना की कमान जबकि क्या की दक्षिण सेना की कमान किसको सौंपी, तो दक्षिण सेना की कमान थॉमस हिपलोस को दी गई, थॉमस हिपलोस को दी गई, हिपलोस को क्या है, दी गई। मैलकम जो था, जिसने ये बात बताई थी कि मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ता की संख्या भी है, वो थॉमस हिपलोस का ही क्या था, वो सहयोगी हुआ करता था, थॉमस हिपलोस का क्या था, ये सहयोगी हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मैलकम हिपलोस का क्या था सहायक था। इस समय चार जो थे पिंडारी सरदार थे प्रमुख थे, इस समय चार पिंडारी सरदार अत्यंत प्रमुख थे, चार पिंडारी सरदार क्या थे, अत्यंत प्रमुख थे, कौन कौन से हैं, चीतू हैं, वासिल हैं, मोहम्मद अमीर खान हैं और करीम खान, ये क्या होते, चार प्रमुख हुआ करते। हमला करेंगे तो चीतू को असीरगढ़ के जंगल में भाग गए चीतू, तो वहां पे उनको चीतों ने क्या कर लिया था, खा लिया था। वासिल मोहम्मद ने और इनके मोहम्मद आमिर ने खाने, ये सिंधिया के यहाँ इन्होंने क्या किया, सिंधिया के उन्होंने सरेंडर किया, सिंधिया के यहाँ जाकर के शरण ली, तो सिंधिया ने क्या कर दिया, अंग्रेजों को इनको क्या कर दिया, सौंप लिया। आगे चल करके गाजीपुर की जेल में इन्होंने क्या कर दिया, हत्या कर ली, ठीक है। और करीम ने क्या कर दिया, मैलकम के सामने क्या कर दिया गया, मैलकम के सामने सरेंडर मार दिया, और आगे चल करके करीम को क्या है, गोरखपुर की गौस की जागीर भी दी गई, गौस की क्या है, जागीर कर दी गई, ठीक है। और भी नेता हुआ करते थे हीरू और बुरन करके, इनको भी क्या कर दिया गया, धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, यानी कि कह सकते हैं 1822 तक क्या कर दिया गया, 1822 ईस्वी तक पिंडारियों का सफाया कर दिया गया, 1822 ईस्वी तक क्या कर दिया गया, पिंडारियों का सफाया कर दिया गया, ठीक है, पिंडारियों का सफाया कर। अगला पॉइंट लिखेगा कि हेस्टिंग्स ने मराठों को तृतीय युद्ध में पराजित कर दिया, मराठा संघ को भंग कर दिया। हेस्टिंग ने मराठों को तृतीय युद्ध में जय हरा करके क्या है, बाजीराव को गद्दी से उतार दिया गया और 18 लाख रुपए वार्षिक क्या है पेंशन देकर के कानपुर के समीप बिट्ठूर कैंप को भेज दिया गया, बिट्ठूर में क्या है, बैठा दिया गया। और सतारा की गद्दी जो थी वह शिवाजी के वंशज क्या है प्रताप सिंह को क्या कर दी गई, सौंप दी गई। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल के कुछ इंपॉर्टेंट काम रहे, कुछ और इंपॉर्टेंट काम है।
अगले आएंगे छोटे छोटे से हैं, एक दो और हैं, बात करते हैं फिर उसके बाद हम भारत के गवर्नर जनरल पे बात करेंगे, भारत के गवर्नर जनरल पे बात करेंगे। तो अगले आएंगे लॉर्ड एडम्स, ठीक है, अगले आएंगे लॉर्ड एडम्स। ठीक है, एक पॉइंट और मिस हो रहा है लॉर्ड हेस्टिंग में, जरा नोट कर लेते हैं, पहले एक पॉइंट और मिस कर हो रहा है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहले उसको नोट कर लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल का ही, लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 का प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ गवर्नर थॉमस मुनरो के साथ हुआ, ठीक है, गवर्नर थॉमस मुनरो के क्या हुआ, द्वारा हुआ, गवर्नर थॉमस मुनरो के क्या द्वारा हुआ, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था काफी इंपॉर्टेंट व्यवस्था है, इसमें जो भूमि का स्वामी माना जाता है वो किसानों को माना, 1820 में ये प्रारंभ मद्रास में हुआ है, 1825 में बंबई में क्या है ये प्रारंभ हो जाएगा, बंबई में क्या हो जाएगा ये प्रारंभ हो जाएगा। अगले गवर्नर की तरफ हम पहुंचते हैं, लॉर्ड एडम्स 1923 में आएंगे, ये एक स्थानापन्न गवर्नर हुआ करते थे, ये क्या थे, एक प्रकार के स्थानापन्न गवर्नर था, ठीक है, ये स्थानापन्न गवर्नर था। इसके समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसके समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगले गवर्नर पे हम बात करते हैं, तो अगले हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर के 1828 तक का क्या इनका टाइम पीरियड माना जाता था, 1823 से लेकर के 1828 तक का इनका टाइम पीरियड माना जाता था। यह भारत का पहला गवर्नर था जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से बराबरी स्तर पर मिला था, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से 1827 ईस्वी में बराबरी के स्तर पर मिला, किसके स्तर पर, बराबरी के स्तर पर मिला, बराबरी के स्तर पर क्या है मिला हुआ। ठीक है, इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल बर्मा क्या हुआ है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ जिसमें बर्मा सेनाएं क्या हुई हैं, बर्मा सेनाएं पराजित हुई, जिसमें बर्मा सेनाएं क्या है पराजित हुई। 1826 में दोनों के मध्य यांडूब संधि हुई, दोनों के मध्य यांडूब संधि हुई, यांडूब संधि हुई। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, कि कौन सी संधि हुई, यांडूब संधि हुई, यांडूब संधि हुई, ठीक है। इन पे अगले पर चलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और प्लस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको क्या है 10% की छूट मिल जाएगी। विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के बाद मैसेज कर सकते हैं। इसके समय में 1824 ईस्वी में बैरकपुर छावनी में क्या हुआ,
बैरकपुर छावनी में बेटा विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, विद्रोह हुआ, जिसका कारण था भारतीय सैनिकों द्वारा बर्मा पर युद्ध में भेजे जाने का। ठीक है, बर्मा जाकर युद्ध करने से इनकार कर, क्योंकि क्या था, क्योंकि समुद्र पार जाना क्या था, समुद्र पार जाना इनके धर्म के विरुद्ध था, समुद्र पार जाना इनके धर्म के विरुद्ध था, समुद्र पार जाना क्या इनके धर्म के विरुद्ध था। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल जो हम कवर कर रहे थे, बंगाल के गवर्नर जनरल में ये आखिरी पॉइंट रहेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक रहेंगे गवर्नर जनरल के अंतिम पॉइंट में। लेकिन यहीं से जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, यहीं से क्या है, यहीं से आपका जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब बंगाल का गवर्नर जनरल ना होकर के अब ये क्या हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल अब ये ना होकर के कहाँ का हो जाएगा बेटा, अब ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। ये किसके द्वारा होगा? तो ये 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत होगा। मतलब अभी तक क्या था कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी बंगाल गवर्नर के अधीन काम करती थी, अब क्या हो जाएगा, अब तीनों प्रेसिडेंसियां भारत के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगी। और जो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल होगा वो कौन होंगे, वो विलियम बेंटिंक होंगे, विलियम बेंटिंक। तो आगे की जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां से देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्लस पर सब्सक्राइब करने के लिए वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। और हम आपको बता दें कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए कुछ बैचेस लेकर के आया हुआ है, ठीक है, आप लोगों के लिए, आप बता दें आप लोगों के लिए कुछ बैचेस लेकर के आया हूँ, मैं इन बैचेस पर ज़रा चर्चा कर देता हूँ कि अनअकैडमी पर आपको क्या मिलता है। अनकेडमी पर अगर आप प्लस सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 24 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और अगर आप बीजे लाइक कोड का